हरियाणा में कांग्रेस फर्जी किसान और पहलवान आंदोलन को हराने के बाद बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। हरियाणा में पर्यवेक्षक बने अमित शाह और मोहन यादव। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में मची खलबली। हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया देंगे इस्तीफा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने जीत की शानदार हैट्रिक लगाई है और कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से ही कांग्रेस में खलबली मची हुई है। लगातार कांग्रेस में कई सारे ऐसे दिग्गज नेता है जो की एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस हार गई है। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने संगठन में खलबली मचा दी है। प्रदेश नेतृत्व से जुड़े नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इस बीच खबर यह है कि हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने को लेकर हाई कमान से अनुरोध कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बीजेपी की करें तो हरियाणा में कांग्रेस फर्जी किसान और पहलवान आंदोलन को हराने के बाद बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है, जहां पर बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारियां तेज कर दी है। दरअसल पार्टी ने सरकार गठन के लिए दो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करी है और चौंकाने वाला नाम गृह मंत्री अमित शाह का है। दरअसल बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को हरियाणा में पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा है। आपको बता दें, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो ये जो फैसला है अपने आप में सियासी गलियारों में काफी ज्यादा हलचल पैदा करता हुआ नजर आ रहा है और लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये तय क्यों किया गया कि हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाए और वही जा करके हरियाणा में बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनेंगे जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। हालांकि ये सभी को पता है कि नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके ही नाम पर औपचारिक मोहर लगेगी। लेकिन इसके बावजूद आखिर अमित शाह को पर्यवेक्षक क्यों चुना गया और क्यों उन्हें हरियाणा में भेजा जा रहा है? दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हरियाणा चुनाव में जमकर प्रचार किया था और बीजेपी की जीत में अहिरवाल बेल्ट एक फैक्टर भी साबित हुआ है। उससे अलग गृह मंत्री अमित शाह का पर्यवेक्षक बनाया जाना अहम माना जा रहा है, क्योंकि वे आम तौर पर ऐसी जिम्मेदारियां निभाते नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए उनके हरियाणा जाने के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आखिरी बार आपको याद होगा कि साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी जब मुख्यमंत्री चुनना था बीजेपी की ओर से, तब गृह मंत्री अमित शाह को ही पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। सेम यही चीजें हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिल रही है, जहां पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है। अब इस पूरे मामले को लेकर के पत्रकार अखिलेश शर्मा कहते हैं कि बीजेपी के लिए हरियाणा की ऐतिहासिक जीत कितनी महत्वपूर्ण और बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि विधायक दल की बैठक के लिए बतौर पर्यवेक्षक स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं। साल 2022 में यूपी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब नए मुख्यमंत्री का चयन सीधे गृह मंत्री की निगरानी में होगा। राज्य में बाजी पलटने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है और अब उनका इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में जाना एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। इस बैठक में नायब सिंह सैनी को फिर से विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाने की औपचारिकता पूरी कर दी जाएगी। दरअसल आपको याद दिला दें कि पिछले 5 से 6 सालों में लगातार मोदी सरकार के लिए कई सारी कठिनाइयां देखने को मिली, जहां पर किसान आंदोलन हो या फिर पहलवान आंदोलन हो, लगातार इन चीजों को लेकर के विपक्ष मुद्दा बनाता रहा और बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश की गई। और इसी वजह से हरियाणा में भी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो ऐसा माना जा रहा था कि जिस तरीके से पहलवान हो या फिर किसान हो मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे, तो इसका व्यापक असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर न सिर्फ जो फर्जी किसान आंदोलन थे, पहलवान आंदोलन थे, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हुए, बल्कि बीजेपी को शानदार बहुमत भी हासिल हुआ। वहीं दूसरी ओर जो हरियाणा के किसानों का नेतृत्व करने वाले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने तो बकायदा अपने जमानत जब्त होने के बाद इस
बात का खुलासा कर दिया कि कैसे उन्होंने किसान आंदोलन करके बकायदा माहौल तैयार किया था कि कांग्रेस को फेवर मिल सके, कांग्रेस से चुनाव जीत सके। लेकिन हुड्डा और कांग्रेस इस चीज को, इस मुद्दे को अच्छे से भुना नहीं पाई, जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है। दरअसल आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद ये कहा गया था कि नई सरकार का 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन फिर ये तारीख बदल गई। इसके बाद ये तारीख 15 अक्टूबर रखी गई, लेकिन फिर इसे भी बदल दिया गया है। अब सैनी सरकार के गठन की तारीख 17 अक्टूबर रखी गई है। शपथ ग्रहण की तारीखों पर लगातार बदलना बीजेपी के लिए किरकिरी का संकेत माना जा रहा है। ऐसे में अब गृह मंत्री का पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा जाना, इसको लेकर के आप अपनी राय हमारे सामने रखेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, ये अपने आप में एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। और पूरी तरीके से जो एक नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ चल रहे थे, फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर पहलवान आंदोलन हो, ये पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आए हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है? देखिए रानी जी, बड़ा अच्छा आपने कहा है, खासतौर से हरियाणा में जो पूछा है अमित शाह के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा चुनाव है हरियाणा वाला, जो देश में बहुत बड़ा संदेश लेके गए। हमेशा इस देश में अगर राजनीति ने करवट बदली है तो अगड़ाई जो है वो हमेशा हरियाणा ने ली, और हरियाणा का संदेश पूरे देश में जाता है, देश की आबोहवा को वही बदलता है। आज से नहीं, शुरू से रिकॉर्ड है। ये एक ऐतिहासिक जीत हुई है, और ऐसा जातिगत सभीकरण हुआ, इतिहास में पहली बार 36 बिरादरी के पूरे पूरे प्रतिनिधि भाजपा से जीत के आए। अब समस्या ये है कि हरियाणा पे भाजपा को जनता ने इतना कुछ दिया है कि उसको संभाल के रखना और उस हिसाब से चलना भी भाजपा के हर एक व्यक्ति की पूर्ति हो, चूँकि तमाम तबके ने पहली बार भाजपा को सर आंखों पे लिया। 11 सीटें अहिरवाड़ की थी, 11 में 10 मिली। आपको बता दें, इसके पहले 2022 में पर्यवेक्षक बन गए अमित शाह गए थे। अमित शाह इतने बड़े नेता हैं, परंतु उनको स्पेशली हरियाणा भेजना, इसका मतलब संदेश बहुत दूर तक जाएगा। सारी व्यू रचना राज्यों में हमेशा मजबूती पे अमित शाह की ही रही। बंगाल में, उड़ीसा में जो सरकार बनी, बंगाल में भाजपा इतने जबरदस्त सीटों पे आई पहली बार, यूपी में जिस तरह से 2017 में सरकार बनी थी, ये सब आप समझ लीजिए भाजपा के बल पर रहा, भाजपा के बल पर रहा। और 2022 में भी अब जो स्थिति है आपको बतला रहे हैं कि ये जा कर के जो पोजीशन लग रही है उसमें साफ है, 2 डिप्टी सीएम होंगे, 1 डिप्टी सीएम यादव बिरादरी का होगा हरियाणा से, और दूसरा दलित या जाट हो सकता। और आपको बता दें, सबसे बड़ी जो बात है, कांग्रेस में भगदड़ है। कांग्रेस दीपक बाबरिया और चौधरी उदय भान को हटाने जा रही है, और ये लोग इस्तीफा भी देने जा रहे हैं, शायद पार्टी से भी रुख्सत हो जाए। तमाम उनके MLA, लगभग 2000 हरियाणा के नेता, बड़े बड़े नेता, कई पूर्व विधायक, सब कह रहे हैं अब मेरा जीवन नहीं रह गया है कांग्रेस में, तो हमको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। दूसरी आपको बता रहे, तमाम नेताओं ने स्पष्ट कह दिया, चरूनी ने स्पष्ट कह दिया, हमने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया था, कांग्रेस के लिए प्रचार किया, और कांग्रेस ने हमको हर तरह से मदद की थी, और कांग्रेस के नेता उसको कैश नहीं करा पाए। ये बात जब आम लोगों को मालूम हुई, किसानों को मालूम हुई, कि इसका मतलब हमारा कोई आंदोलन नहीं था, ये कांग्रेस करा रही थी टूल किट्स के रूप में, कि कांग्रेस के तमाम मामले उजागर हो गए, पहलवानों वाले मामले उजागर हो गए, इसका मतलब कांग्रेस कमज़ोर थी, जीत नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने करोड़ों रुपया, कई करोड़ रुपया कांग्रेस ने 1000 करोड़ से ज़्यादा बीजेपी को डाउन करने के लिए अन्य प्रोजेक्ट के जरिए, कहीं किसान आंदोलन, कहीं पहलवान आंदोलन, कहीं कोई आंदोलन, अग्निवीर के खिलाफ,
और सबका जनता ने जवाब दे दिया कि हमको कांग्रेस की हुकूमत नहीं चाहिए, हमको मेरिट पे चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, हमको अग्निवीर का मंजूर है और हमको नौकरियां चाहिए बगैर हर्जी खर्ची, और जिताया। जातिगत जो समीकरण दिया है इस कारण अमित शाह जा रहे हैं और आप देखिएगा ये ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल वही पोजीशन जा रही है जब हरियाणा में जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम सारे लोग एक मंच पे इकट्ठा हुए थे। दूसरा दौर आया था चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, रामकृष्ण हेगड़े पूरे हिंदुस्तान के नेता एक हुए थे और देश की राजनीति बदली थी। वही चीज़ फिर होने जा रही है। मैं आपको भी बता दूं, दीपक बाबरिया, चौधरी उदयभान, तमाम अन्य बड़े नेता जिनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ कांग्रेस से, वो भी भाजपा पे जाने के लिए, परंतु अभी वही एंट्री नहीं दे रहे। 3 विधायक इनके पास जा करके और बीजेपी में शामिल हो गए। 51 इनकी शुभ संख्या हो गई। 51 बहुत शुभ माना जाता है, ख़ास तौर से हरियाणा में जिसके पास 51 विधायक हुए उन सरकारों ने हमेशा अपना इतिहास रचा है और जो स्थितियां हैं उसमें साफ है कि बहुत मजबूत समीकरण, इसलिए अमित शाह को भेजा गया। कुछ ऐतिहासिक बहुत बड़ी पहल होगी। मेन वजह है पूरे मध्य प्रदेश का यादव, यूपी में यादवों की मीटिंग हुई, बिहार में मीटिंग हुई, अखिलेश घबराए हुए हैं, लालू यादव घबराए हुए हैं, आपको बता रहे महाराष्ट्र में यादव जो है सब भाजपा में जा रहा, इसीलिए इस जो यहाँ से जो धार निकली है इस धार को मजबूत करने के लिए हरियाणा से निकला हुआ भाजपा का प्रकाश ये पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, भाजपा की महक, इसलिए अमित शाह को भेजा गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत हुई है तो इसे बीजेपी जश्न के तौर पर देख रही है और आने वाले चुनावों के लिए एक बड़े रणनीति के रूप में भी देख रही है, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के हौसले और भी ज्यादा बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें हरियाणा में शानदार जीत हासिल हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।